बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, तो उसके लिए हमने मिट्टी की हंडी ली है। इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल का, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने ये वाली हलीम यूज़ की है, ये ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे मसाला, शान मसाला है ये, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाले को तकरीबन 1 मिनट तक इसकी सही भुनाई करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हमने हलीम 3 से 4 अफराद के लिए तैयार करनी है, इसलिए हमने चिकन लिया है 1 पाव, वो इसमें ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन है। बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी है, इसे कवर कर देंगे, इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन सारा खत्म हो जाए। अब इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। दो से तीन ग्लास पानी के हमने ऐड किए इसमें। अब इसके अंदर से चिकन निकालेंगे और इसके रेशे करेंगे। चिकन निकाल कर दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसी शोरबे के अंदर हम इजी कुक हलीम मिक्स ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 1 कप के बराबर है ये ऐड करेंगे इसमें, और इसका मिक्स करके इसका चम्मच चलाते रहेंगे जब तक थिक होती। अभी हमारा पेस्ट इस तरह से थिक हो चुका है। अब जो चिकन के रेशे किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। दस एक मिनट और पकाना है इसे, उसके बाद इसका तड़का बनाना है हमने। अब हलीम तकरीबन तैयार हो चुकी है, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। हमने एक पैन लिया, इसमें ऑयल डालेंगे, तीन से चार टेबल स्पून ऑयल के डालें। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक काटा हुआ है। प्याज को हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे अदरक और जीरा। अब हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की है, सिर्फ कलर के लिए ऐड की है।
अब इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। तड़का हमारा हो चुका है तैयार, अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़का। इसे 2 से 3 मिनट और रखेंगे, बस हलीमा हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके रेशे चेक करें। अब हमारी हलीम बनके तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।